हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरी नर्सरी में स्वागत है। और दोस्तों, मैंने अभी एक हफ्ते तक कोई वीडियो अपना नहीं डाला क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मुझे बुखार लगा हुआ था। लेकिन अब कुछ कुछ मेरा तबीयत अच्छा हो रहा है, तो मैं आपके लिए आज एक मीठा नीम पर वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, जब भी हमारी नर्सरी से कोई भी कस्टमर मीठा नीम का पौधा अपने घर पर लेकर जाता है, तो उसका मीठा नीम का पौधा दोस्तों बड़ा ही नहीं होता है, छोटा का छोटा ही रह जाता है। बहुत से कस्टमर ऐसा कंप्लेन करते हैं कि दीदी, मीठा नीम का पौधा बढ़ता क्यों नहीं है, जितना हम लोग लगाते हैं उतना ही रह जाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे मीठा नीम का पेड़ आपका एक महीने में बहुत ही अच्छा और घना हो जाएगा। और उसे क्या किस तरीके से हम लोग लगाएं और उसमें क्या खाद डालें, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मीठा नीम आप अपने घर पर ज़रूर लगाइए, क्योंकि मीठा नीम से हमें बहुत सारा बेनिफिट भी होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं दोस्तों, मीठा नीम के पत्ते को खाने से वो ठीक होती हैं और हमें अंदर से ताकत भी मिलती है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे मीठा नीम का पौधा एकदम घना हो जाए और हमें डेली खाने को भी मिले और हमारी बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ वो क्या तरीका है जिससे आप मीठा नीम जल्दी ही घना कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मीठा नीम का पौधा हमने नर्सरी में तैयार किया हुआ है कि आप भी इसी तरह लगाएंगे तो आपके घर में भी मीठा नीम इसी तरह घना होगा और जल्दी ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हम लोग का मीठा नीम का पौधा कितना ही घना हो गया है कि हम लोग डेली इसमें से खाते भी हैं तो ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों, आप भी मीठा नीम का पौधा नर्सरी से जब भी लेकर आएँ तो जो मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप लगाओगे तो आपका मीठा नीम का पौधा इसी तरह घना हो जाएगा और आपके खाने के बहुत ही काम आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मीठा नीम का पौधा कितना अच्छा हुआ है और कितना घना भी हुआ है। तो इसका मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी कि क्या डालना है और इस मीठा नीम को किस तरीके से लगाना है, कितने इंची का पॉट लेना है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपको मीठा नीम लगाना होगा तो सबसे पहले आपको पॉट का चुनाव करना होगा। तो देखिए, ये मैंने 12 इंची का पॉट लिया हुआ है, आप भी ऐसे ही नर्सरी से 12 इंची का पॉट ले लेंगे। बात का ध्यान रखना है कि आपके पॉट में ऐसा होल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कितने लोग बिना होल किए भी लगा देते हैं जिससे पानी भर जाता है और आपका मीठा नीम का पौधा दिन पर दिन गलने लगता है। और एक पत्थर ऐसे इसमें रख लेना है। और दोस्तों, ये देखिए, ये मिट्टी है, ये मैं तो हर एक वीडियो में बताती हूँ आपको कि ऐसा भूसा वाला काली मिट्टी मिक्स करके और गोबर इसमें मिक्स करके आपको मिक्सर बना लेना है। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी मिट्टी ले आओगे खोद कर और लगा लोगे तो वो पौधा बढ़ता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको मिट्टी लेना है। और ये देखिए दोस्तों, ये मीठा नीम का पौधा है, ये मीठा नीम का पौधा आपको नर्सरी में 30 रुपये में या फिर 40 रुपये में थोड़ा बड़ा पौधा मिल जाएगा, ये महंगा नहीं मिलता है। तो इसी तरह आपको ये पौधा खरीद के ले आना है। तो दोस्तों, ये आपको एक नहीं 3 पौधे खरीदने होंगे। ये देखिए, छोटे छोटे साइज के आपको 3 पौधे खरीदने होंगे। और दोस्तों, इसमें का जो देसी वाला रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, उसका थोड़ा सा ऐसे पत्ता सूंघ के देखोगे ऐसे महक के तो उसमें स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। और जो हाइब्रिड होता है उसमें स्मेल नहीं आता है। मीठा नीम भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक हाइब्रिड होता है, एक देसी होता है। तो जब भी आप नर्सरी से खरीदे मीठा नीम तो आप देसी वाला लीजिएगा, क्योंकि देसी वाला बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। तो आपको इसमें का 3 मीठा नीम का पौधा खरीद लेना है। और दोस्तों, कैसे लगाएंगे ये मैं अभी बता रही हूँ। तो ये देखिए, ऐसे आपको ले लेना है और ये जो मिट्टी है इस गमले में ऐसे डाल देना है। ये देखिए,
दोस्तों कितने लोग लगाने में ही गड़बड़ी करते हैं, जिसके कारण उनका मीठा नीम का पौधा अच्छा हो नहीं पाता है, या फिर वो अपने घर में जो पहले से गमले में मिट्टी रहता है उसी में खोद कर लगा देते हैं, जिसके कारण वो बढ़ नहीं पाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी आपको नया पौधा लगाना होगा तो आपको नए मिट्टी में लगाना होगा, पुराना मिट्टी में बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि पुराना मिट्टी चिपक जाता है और उसमें जड़ आसानी से फैल नहीं पाता है। ये मैंने ऐसे मिट्टी रख लिया है। उसके बाद दोस्तों ये हरियाली खाद है, ये नर्सरी में मिल जाता है, आपको इसको ले लेना है। इसको चारों तरफ ऐसे डाल देना है, ये डालना बहुत जरूरी रहता है, इससे ना जो मीठा नीम का पौधा है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है। और ये जो मीठा नीम का दोस्तों पौधा है इसको हमने ऐसे झिल्ली से फाड़ लेना है, ये देखिए, ये देखिए। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये थोड़ा थोड़ा आपको निकाल देना है, और निकालने के बाद दोस्तों एक मीठा नीम का पौधा यहाँ पे लगा देना है, फिर ये दूसरा वाला फाड़ना है, ये देखिए। क्योंकि दोस्तों मीठा नीम का पौधा जब हम एक ठो लगाते हैं तो वो जल्दी बढ़ता नहीं है, इसलिए इसको जल्दी घना करने का ये भी तरीका है। मैं बहुत सारे पौधे दोस्तों एक ही गमले में दो तीन करके लगा देती हूँ, जिससे वो बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाता है और घना हो जाता है और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसी तरह आपको इसका भी लगा लेना है, ये देखिए, ये तीन पौधे हो गए दोस्तों। ये देखिए तीनों थोड़ा ना अलग अलग करके लगाना है, थोड़ा थोड़ा दूरी में। ये देखिए मैंने कैसे लगाया है, एक ही जगह चिपका के नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा दूर करके इसको लगाना है। और लगाने के बाद दोस्तों मिट्टी को डाल देना है, ये देखिए चारों तरफ मिट्टी को अच्छे से डाल देना है, ये देखिए। अगर आप भी मीठा नीम का पौधा दोस्तों इसी तरीके से लगाएंगे तो आपका मीठा नीम बहुत ही जल्दी घना भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा और आपको डेली खाने को भी मिलेगा, ये देखिए। आप लोग मीठा नीम का पौधा दोस्तों एक एक लगाते हैं, उसलिए जल्दी घना नहीं हो पाता। और लगाते समय दोस्तों इसको थोड़ा ना ऐसे दबा देना, दबाने से क्या रहता है इसके जड़ में हवा नहीं जाता। ये देख लीजिए इस तरह हमने लगा दिया है, और उसके बाद जो ये हरियाली खाद है इसको थोड़ा सा ले लेना है, और लेने के फिर ऊपर से ना इसके चारों तरफ डाल देना है, ये देखिए। इससे क्या होता है मिट्टी उपजाऊ और भी ज़्यादा बन जाता है और बहुत ही जल्दी हमारा मीठा नीम का पौधा बढ़ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों आप मीठा नीम जब भी लगाएंगे तो गमले से एक इंची नीचे रखेंगे इस मिट्टी को, ताकि इसमें जब हम पानी वानी डालेंगे खाद दवाई डालेंगे तो बाहर दह के नहीं निकलेगा। ये दोस्तों इस तरह हमने मीठा नीम का पौधा ये लगा लिया है। उसके बाद आपको ऊपर से फर्टिलाइजर डालना है, तो देखिए ये मैं बता रही हूँ कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। ये देखिए ये वाइट वाला ग्रूमर है और ये रेड वाला ग्रूमर है, तो इसमें से रेड वाले में से थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा वाइट वाले में से लेना है, इतना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये दोस्तों अलग अलग कलर में आता है, हर एक मौसम में अलग अलग डाला जाता है। तो देखिए ये डाल दिए हैं, इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा दूर थोड़ा सा करके डालना है, फिर थोड़ा सा दूर थोड़ा सा करके डालना है, ऐसे ही चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल के आपको ढक देना है। ये हमने ये डाल दिया है दोस्तों, और डालने के बाद दोस्तों इसमें अच्छे से आपको पानी डाल देना है। अभी इसमें क्या दवाई स्प्रे करेंगे दोस्तों ये भी मैं बताऊंगी, बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए कि क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये हमने अच्छे से इसमें फर्टिलाइजर डाल दिया है। जब दोस्तों हमने ये खाद डाल दिया है तो उसके एक दिन बीज करके इसमें ऊपर से ना दवाई का स्प्रे करना चाहिए। दवाई देखो दोस्तों ये देखिए, ये एनपीके है 1919, इसको ले लेना है।
आपको आधा लीटर पानी में आधा चम्मच डालना है और एक लीटर में एक चम्मच डालना है। तो ये देखिए, ये मैंने पहले से मिला कर रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ नर्सरी में डालते ही रहते हैं, तो वो मैंने आपको बताने के लिए दिखाया था। तो इसके पत्तों में अच्छे से स्प्रे कर देंगे। अगर दोस्तों ये आप 19-19 नहीं डालना चाहते हो तो आप नीम का ऑयल भी ऊपर से स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये करने से दोस्तों पत्ता सिकुड़ेगा नहीं इसका और एकदम फ्रेश होएगा। और 2 घंटे में दवाई असर कर जाता है दोस्तों, और डालने के बाद पानी मत डालना। और ये दवाई डालना तो धूप में ही डालना, धूप में ही डालोगे तो ये ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने दवाई का स्प्रे भी कर दिया है। और दोस्तों जब ये 1 हफ्ते का हो जाएगा, 1 हफ्ता हो जाएगा, तो दोस्तों जो ये देखिए, ये जो मीठा नीम का ये ऊपर का इसका मुंडी है ना दोस्तों, ये ऐसे काट देना है। ये तीनों का ही आपको थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे काट के निकाल देना है, तब जाके दोस्तों ये ऊपर से नया ब्रांच देगा और भी ज़्यादा ऐसे घना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने काट दिया है, आपको भी ऐसे ही काट देना है, थोड़ा थोड़ा काटना है। और काटने के बाद ये पूरा ऐसे घना हो जाएगा और पूरा भर जाएगा। तो इस तरीके से आपको मीठा नीम का पौधा अपने घर में लगाना है और जल्दी ही घना हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह मीठा नीम का पौधा आप अपने घर में लगाइए, आपका 1 महीने के अंदर मीठा नीम का पौधा एकदम घना और जंगल जैसा हो जाएगा कि आप खाते खाते थक जाओगे। अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जो मुझसे पूछते हो दोस्तों, मुझे अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होता है और मुझे बहुत ही वीडियो बनाने का मन करता है कि आपकी जितने भी परेशानी है मैं वो सारी परेशानी दूर कर दूं। यहाँ मैं दिन भर नर्सरी में कस्टमर के साथ सारे पौधों के बारे में बताती रहती हूँ, इसलिए दोस्तों बताते बताते वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए कभी कभी एक बात को मुझे दोबारा भी बताना पड़ता है कि आप ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपके कितने काम आने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और किसी भी खाद दवाई के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछते रहेंगे, भले थोड़ा देरी हो जाता है रिप्लाई देने में, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। और दोस्तों दोबारा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।